रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शिवसेना ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका, कांग्रेस के साथ मिलाया हाथ नई दिल्ली। शिवसेना होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। सांगली जिले के पल्लूसकडे गांव विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। इस सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से संग्राम सिंह देशमुख चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेसी उम्मीदवार कदम को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। साथ ही शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को इस सीट पर उम्मीदवारी नहीं पेश करनी चाहिए, यही पतंग राव कदम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि भारतीय विद्यापीठ के संस्थापक पतंग राव कदम का इस वर्ष 9 मार्च को निधन हो गया था, जिसके बाद से यह सीट खाली है।